बच्चों, एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसे टेबल के फॉर्म में लिख लिया जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लिटमस टेस्ट। हमें मालूम है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जबकि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, इसे हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, इसी तरह से जब जिंक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होता है। इसके लिए हमें सॉल्यूशन को वॉर्म करना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन वॉर्म कंडीशन जिंक प्लस NaOH गिव्स सॉल्ट। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम जिंकेट। प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, लेकिन ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होता है। और यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि अदर मेटल्स बेस के साथ इस टाइप का रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन एसिड का होता है तो इट गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसे भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है। ये इसे जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl का सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस CO2 गैस निकलती है। ओके, इसी तरह से बेस, क्योंकि मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट है या कोई भी मेटल कार्बोनेट है, ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए बेसिस इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसे भी हम एग्जांपल से देख सकते हैं। NaHCO3 ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब ये HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl का सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी। ओके, यहाँ भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्योंकि बेसिक नेचर का होता है तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके,
नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड भी बच्चों बेसिक नेचर का होता है, ओके। इसलिए जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसे भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे है कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, अगर ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट बनाया प्लस वाटर, ओके। अब मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होने की वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्स नंबर रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बच्चों ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है तो यहां पर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये सॉल्ट एंड वाटर को बनाएगा, ओके, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ओके। ऐसे भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, CO2 ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर ये बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इन सभी रिएक्शंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ओके।